तो हमें जब बीजेपी आरएसएस के लोग देशद्रोही करते हैं, हमें तो बहुत खुशी होगी कि हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। हमने अरविंद गोस्वामी पर केस डाला है, हमने टाइम्स नाउ पर केस डाला है, तो अब अरविंद गोस्वामी को कोर्ट में आकर बताना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। लोगों को लगा था कि एक हफ्ते में बैन होने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और कई जीवन काम कर रही हूँ। मेरे अलावा और किसी को जीने का हक नहीं, बल्कि मैं ही जीऊँगा और सब मेरे गुलाम बन के रहना। लेकिन वो गांव में जहाँ मुसलमान नहीं है, वहाँ दलित उनके दुश्मन है। जिस गांव में दलित नहीं है, वहाँ पर ठाकुर इनका दुश्मन है। जिस गांव में ठाकुर भी नहीं है, वहाँ पर ब्राह्मण्स में जो नीचे के ब्राह्मण्स हैं, वो इनके दुश्मन है। पॉपुलर फ्रंट सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करता। हमारा नारा है कि हर मजलूम हमारा है, मजलूम का धर्म जात नहीं देते। अब तक तो सिर्फ मीडिया चैनल के पीछे हम लोग थे, अब तो जो यूट्यूब चैनल्स हैं आरएसएस के, जो इनको आरएसएस प्रमोट करके हमारे खिलाफ न्यूज़ डाल रहा है, सबको कोर्ट में लेके जाने वाले हम लोग। गर्म होने को चाहिए, रोजाना जाके मुसलमानों की बात करें। कुमार स्वामी को चाहिए लोकल रोजाना जाके मुसलमानों की बात करें। मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि जो दलित कम्युनिटी है, उनके बीच में जाकर मुसलमानों की बात करें। आज हमारे साथ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अनीस अहमद साहब यहां पर मौजूद हैं। तो जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में नेशनल मीडिया और बीजेपी आरएसएस की तरफ से लगातार ये पेश किया जाता है कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और कई किस्म के इल्जाम इन पर लगाए जाते हैं, तो आज हमारा ये जो इंटरव्यू का मोटिव है, हम ये जानना चाहेंगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका मकसद क्या है, किस तरह से ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, तमाम चीजें आज हम जानेंगे नेशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अनीस अहमद की तरफ से। जनाब अनीस अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपका गुलबर्गा हेडलाइंस पर वेलकम करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनीस अहमद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी आरएसएस की तरफ से और नेशनल मीडिया की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए, जिस तरह से यूपी में दंगे हुए, उसके पीछे पूरा जो किरदार था वो पीएफआई का था, और जिस तरह से सीएनआरसी में भी शाहीनबाग में जो प्रोटेस्ट लगातार चला उसके पीछे भी पीएफआई का हाथ है, इस तरह के तमाम इल्जाम आप पे लगाए जाते हैं, क्या वजह है इसकी, क्यों आप लोगों के पीछे इस तरह के इल्जाम है? देखिए, सबसे पहले ये गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी भी नहीं, बीजेपी नाम के वास्ते इसके पीछे आरएसएस की गवर्नमेंट है। और पॉपुलर फ्रंट जब से शुरू हुई है, तब से पॉपुलर फ्रंट ने आरएसएस के साथ एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड रखा है। हमने कभी भी जब पूरी अलग अलग तंजीमें, अलग अलग इंडिविजुअल्स को आरएसएस के प्रेशर में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज या उनकी गुलामी के लिए चले जाते, पॉपुलर फ्रंट ने हमेशा इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आरएसएस का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आरएसएस का पैसिज्म प्रॉब्लम है। और आरएसएस का भी आप जानेंगे तो आज से 4 साल पहले जो कोच्ची के अंदर आरएसएस की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई थी 3 दिन की, उसके पहले मीटिंग के दिन ही बाहर में मोहन भागवत ने आकर मीडिया को एड्रेस करके कहा था कि हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक उनको हैरेस करना है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खत्म करना है। तो ये ऑर्डर आरएसएस की तरफ से गवर्नमेंट को आया है, गवर्नमेंट के थ्रू मीडिया को आया है, और मीडिया के थ्रू एजेंसीज को आया है। अब ये पूरा का पूरा जो इनका इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हमें खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो इल्जाम ये हम पर लगा रहे हैं, ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है, इसी से पता चल रहा है कि कुछ प्रूव नहीं हो रहा है। असल में 2017 में जिस तरीके का कैंपेन उन्होंने हम पर किया था, तो लोगों को लगा था कि एक हफ्ते में बैन होने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और तंजीम काम कर रही है। तो ये पूरे बेबुनियाद चीज है। आरएसएस को जो हम एक्सपोज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें टारगेट किया जा रहा है। क्या क्या एक्सपोज आपने अभी तक आरएसएस के पीछे, आरएसएस को क्या क्या एक्सपोज किया है आपने? देखिए, सबसे पहला चीज जो है, आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है, ये एक आइडियोलॉजी, एक फैसिस्ट आइडियोलॉजी है। आरएसएस अपने आप को हिंदू तंजीम कह रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने बताया कि आरएसएस का हिंदू धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एंटी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। और पूरे दुनिया में भी आज अगर आप देखेंगे, हिंदुओं का नाम कौन खराब कर रहा है? पॉपुलर फ्रंट तो नहीं कर रहा है, मुसलमान तो नहीं कर रहा है, पूरे दुनिया में हिंदुओं का नाम आरएसएस खराब कर रहा है, पहली चीज। दूसरी, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी हिटलर की जो फैसिस्ट आइडियोलॉजी उसके साथ मैचिंग थी, क्योंकि उस जमाने में जब हिटलर वहां उरूज में आ रहा था, आरएसएस के बड़े बड़े लीडर अपने किताबों में, एमएस गोलवालकर अपने किताबों में उनकी तारीफ करता था, और इंडिया के हिंदुओं से कहता था कि जो हिटलर ने जर्मनी में किया उससे हमें एक सबक है, ये चीज से भाग नहीं सकते, उनके बुक में डॉक्यूमेंटेड है ये। तो ये चीजों को हम सामने ला रहे थे लोगों के सामने कि देखो, ये भाई इनको आप एक मामूली कम्युनल संगठन मत समझो, ये फैसिस्ट है। फासिस्ट क्या होता है कि वो कहता है कि मेरे अलावा और किसी को जीने का हक नहीं, बल्कि मैं ही जीऊंगा और सब मेरे गुलाम बन के रहना, और ये आरएसएस है। और आरएसएस से प्रॉब्लम सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मुसलमानों को प्रॉब्लम है, आज हम लोग सामने इसलिए हम प्रॉब्लम है,
जब हम नहीं रहेंगे कोई और दुश्मन बना देंगे। आप सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, ये लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर सारा प्रॉब्लम का जड़ मुसलमान है। इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पर मुसलमान नहीं है। क्या वो गांव रामराज्य बन गए? रामराज्य बनना है ना, मुसलमान नहीं है। लेकिन वो गांव में जहां मुसलमान नहीं वहां दलित उनके दुश्मन है। जिस गांव में दलित नहीं है वहां पर एक ठाकुर इनका दुश्मन है। जिस गांव में ठाकुर भी नहीं है वहां पर ब्राह्मण्स में जो नीचे के ब्राह्मण्स है वो इनके दुश्मन। तो फैसिज्म की एक सिफत क्या होती है, वो दुश्मन बनाते रहता है, जिंदा रहने के लिए दुश्मन चाहिए, और ये हमने एक्सपोज किया। ठीक है, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहां से ईजाद हुई, क्या मकसद था इसका, कब से इसकी शुरुआत हुई? देखिए, इसका हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि 1980 का जो दौर था, ये दौर ऐसा था कि इस जमाने में पूरे इंडिया में बहुत सारे एंटी मुस्लिम दंगे हो रहे थे, जैसा भगलपुर हो, भिवंडी हो, और ये राम जन्मभूमि अभियान हो, उसके रथ यात्रा चल रहे थे। और पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे एक ही माहौल था कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक ऑर्गेनाइज कुछ एक एक्टिविटीज़ होना है, मुस्लिम कम्युनिटी के हुकूक के प्रोटेक्शन का काम होना है। उसी वक्त में केरला के अंदर अर्ली 90s में जो है NDF नाम की एक तंजीम बनती है। उसके बाद हम देखते हैं उसी टाइम पर तमिलनाडु में MNP नाम की एक तंजीम बनती है, और 2000 में कर्नाटका के अंदर KFD नाम की तंजीम बनती है। मैं KFD से हूँ, पॉपुलर फ्रंट नहीं था। ये तीन तंजीम तीन रियासतों में काम करते थे। 2005-06 में ये तंजीम आपस में मिलना शुरू किए और साउथ इंडिया काउंसिल नाम का एक काउंसिल बनाया जिसमें रिजर्वेशन कैंपेन किए। और रिजर्वेशन कैंपेन के दौरान ये तीन तंजीम के लीडरों को लगा कि जो काम हम लोग अपने अपनी रियासतों में कर रहे हैं हम लोग उसको पूरे नेशनल लेवल में करना जरूरी है। तो ये तीन तंजीमें 2006 में आपस में मिलकर उन्होंने एक फेडरेशन बनाया, उस फेडरेशन का नाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद 2009 में इन तीन तंजीमों के साथ और 8 स्टेट के तंजीमें जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मणिपुर, ये 5 स्टेट्स के लोग मिल गए और 8 तंजीमों ने मिलकर अपने स्टेट तंजीमों को डिसॉल्व करके एक सिंगल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया 2009 में पॉपुलर फ्रंट। तो 2007 में 3 स्टेट, 2009 में हम लोग 8 स्टेट में थे। अलहमदुल्ला इंडिया के 22 रियासतों में ये पॉपुलर फ्रंट का एक हिस्ट्री है। मकसद क्या है पॉपुलर फ्रंट को तैयार करने का? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हमारा मकसद है टोटल एम्पावरमेंट। हम चाहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक मुसलमानों की तंजीम है, उसके मेंबरशिप मुसलमान है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करता। हमारा नारा है कि हर मजलूम हमारा है, मजलूम का हम धर्म जात नहीं देखते। लेकिन हम ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी है। पॉपुलर फ्रंट नहीं करता, गवर्नमेंट के अलग अलग रिपोर्ट्स कहते हैं। तो मुस्लिम कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए उस मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर स्पेशल एफर्ट्स की जरूरत होती है। और देखिए, एक मुल्क रहेगा, उस मुल्क के अंदर सारे कम्युनिटी इक्वली डेवलप हुआ तो ही मुल्क डेवलप होगा। मेरा ये बॉडी है, मेरे बॉडी में हाथ अच्छा डेवलप हो रहा है लेकिन मेरा पैर डेवलप नहीं हो रहा है तो मैं अपाहिज बन जाऊंगा। उसी तरीके से अगर हमारे इंडिया के अंदर मुल्क तरक्की हो रहा है लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी तरक्की नहीं हो रहा तो हमारे मुल्क को भी तरक्की प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को एक एम्पावर करने के काम से तंजीम काम कर रहा है। और एम्पावरमेंट का मतलब ये है, एम्पावरमेंट का मतलब है खुद मुख्तार बनाना, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को इस लेवल पर बनाओ कि एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली हर लिहाज से वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो बल्कि खुद अपने पाँव पर खड़े हो और खुद अपने डेवलपमेंट का काम करे और देश के नेशन बिल्डिंग में बराबर की हिस्सेदारी करे, ये हमारा मकसद है। ठीक है, जिस तरह से अभी आप RSS के बारे में कह रहे थे कि वो फांसी जहन रखते हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि RSS फांसी जहन रखती है, तो लगातार RSS BJP को बैकबोन पीछे से सपोर्ट करती है, उसी तरह से PFI को भी कुछ लोग देखते हैं कि PFI कट्टर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी चलती है। इस तरह से आपको भी वो लोग इस तरह नजर से देखते हैं, जिस तरह से हिंदुओं के लिए RSS है उस तरह से मुसलमानों के लिए PFI है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा जो एक इल्जाम आ जाते हैं कि ये इल्जाम बेसिकली आप देखेंगे सेक्युलरिस्ट की तरफ से आता है। तो सेक्युलर जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, बेसिकली लिबरल कहते हैं, उनके सामने एक मजबूरी होती है, उनको बैलेंसिंग एक्ट करना होता है। अब जब RSS के खिलाफ बोलेंगे तो बैलेंसिंग में किसी को तो लाना है, तो पहले कोई और थे, अब आज पॉपुलर फ्रंट है, आज हमें ला रहा है। अब उनसे हम सवाल पूछते हैं, अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को फैसिस्ट बोलते हो या RSS का बराबर बोलते हो, क्यों? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने क्या आज तक किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ बात किया है? क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत की बात की है हमारे स्पीचों में हो, हमारे पब्लिकेशंस में हो? नहीं, हमने आज तक किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ बात नहीं किया। हम RSS के फैसिज्म के खिलाफ बात करते हैं। अब जब राहुल गांधी RSS के फैसिज्म के खिलाफ बात करता है वो लिबरल बन जाता है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट जब RSS के फैसिज्म के खिलाफ बात करता है तो हम मुस्लिम RSS बन जाते हैं।
तो ये असल में क्या है, एक ग्रुप है जो अपने आप को लिबरल कहता है, जो चाहता है कि मुसलमानों की लीडरशिप हम करें, मुसलमान हमारे फुट सोल्जर बने, हम मुसलमानों के लीडर बने। अब देखिए ये लोग आते हैं, इनके स्पीच कौन सुनते हैं, मुसलमान ही सुनते हैं, इनके कोई फॉलोअर नहीं, ये मुसलमानों को आकर अपना फुट सोल्जर बनाते हैं, हम दिमाग बनेंगे आप फुट सोल्जर। लेकिन पॉपुलर फ्रंट कहता है कि क्यों मुसलमान फुट सोल्जर बनना है, क्यों मुसलमान खुद ब्रेड नहीं बनना है। और जब पॉपुलर फ्रंट कहता है कि मुसलमानों को ब्रेड बनना है, यही सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ये मुस्लिम आरएसएस है, समझे, क्योंकि उनका जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक ऑडियंस है, उस ऑडियंस को हमारे वजह से उनके ऑडियंस चला जा रहा है और पॉपुलर फ्रंट की तरफ से आ रहा है। इसलिए टेक्निकली अगर हम उनसे भी कहते हैं भाई बताओ क्यों आप हमको मुस्लिम आरएसएस कहते हैं, लगातार आपकी पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लगातार देश दूर संगठन क्यों बताया जा रहा है, कई आपके ऑर्गेनाइजेशन के कई कैडर को जो है ना अरेस्ट किया गया ईडी की तरफ से, और कई दूसरे इन्वेस्टिगेशन किए गए उनके ऊपर, उनको अरेस्ट किया गया, क्या वजह है इसके पीछे, क्या कौन सी ताकत आपके पीछे लगी है और क्या मकसद है उन लोगों का? देखिए दो चीज, आज तो इंडिया में हर कोई देशद्रोही है, जो आदमी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करता है, कम से कम अगर आपने ये भी कहा है कि पेट्रोल डीजल का रेट क्यों बढ़ा है आप देशद्रोही हो गए, आपने कहा कि टमाटर प्याज का रेट क्यों बढ़ गया आप देशद्रोही है। तो मेरा कहना यह है कि आज इंडिया में जो है देशद्रोही चीज को सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऐसा माहौल आज इंडिया के अंदर आ गया है कि बीजेपी आज जिनको देशद्रोही कहते हैं वही सबसे बड़े आज देश के मुहाफिज है। तो हमें जब बीजेपी आरएसएस के लोग देशद्रोही करते हैं हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तकलीफ तब होगी जब हमारी तारीफ करेंगे। अगर कल आरएसएस आकर पॉपुलर फ्रंट की तारीफ करता है तब हम सोचेंगे क्या पॉपुलर फ्रंट ठीक काम कर रहा है क्या, पहला चीज। दूसरा देखिए मैंने बताया यही, आज 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 इनके इनके कंट्रोल में सारे एजेंसीज है, ईडी इनके कंट्रोल में, एनआईए इनके कंट्रोल में, पुलिस इनके कंट्रोल में, एटीएस एसटीएफ सब इनके कंट्रोल में, और इन सबको लेकर सबको टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट में आप देखिए डीके शिवकुमार के घर में रेड्स हो रहे हैं, ममता बनर्जी के जो भांजा है उसके उसको टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग पॉलिटिकल जो अपोजिशन लीडर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर देखो शिवसेना को कैसा लोग टारगेट कर रहे हैं, यानी हर वो अपोजिशन जो इनके खिलाफ बात करेगा उसको एजेंसीज के थ्रू काम करेंगे। जब सबसे पहले हम पर शुरू हुआ, जब हम लोग कह रहे थे कि देखो भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत लोग सवाल कर रहे हैं तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, अब तो सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है ना, अब तो हर किसी के साथ हो रहा है। तो जो चीज पॉपुलर फ्रंट 5 साल से बोल रही थी आज हम देख रहे हैं सारे अपोजिशन लीडर वही कह रहे हैं, तो जो हमारे साथ 5 साल से हो रहा था दूसरों के साथ हो रहा है और हमें पता था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है जब हम पर हो रहा था कोई हमारे लिए बात करने के लिए नहीं, लेकिन आज हमारा पॉलिसी है किसी के साथ भी हुआ उनका और हमारा नजरियाती इख्तलाफ रहेगा फिर भी हम उनके लिए बात करेंगे, ये हमारा पॉलिसी है। जिस तरह से आपने कहा केरला से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई है, लगातार हम जहां तक हम जानते हैं 20 से ज्यादा स्टेट में ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैल गई है, तो किस तरह से वर्क आपका चल रहा है? देखिए 2011 से हम लोग असल में एक नेशनल अटेंशन में आए, 2011 तक नॉर्थ इंडिया में उतना हमारा एक्सपांशन नहीं था। 2011 में अगर आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में हमने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस किया, सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस रामलीला मैदान दिल्ली का, वहां से जो है इनके होश उड़ गए, समझे। उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन देखिए कांग्रेस की गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट जो है जो जो आईबी अपैरेटस है ना, जो इंटेलिजेंस का अपैरेटस है, ये हमेशा से एंटी मुस्लिम है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। तो इसने काम शुरू किया था हमें डिफेम करने का, ताकि नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों के दिलों के अंदर एक शक डाले कि पॉपुलर फ्रंट के नजदीक नहीं जाना भाई, लेकिन उसका हम देखते हैं कंप्लीट ऑपोजिट हो गया। जितना ये लोग हमारे खिलाफ बात बोले हमें उसको एक फ्री पब्लिसिटी हुआ, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट के अंदर पब्लिसिटी के डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट नहीं है इसलिए क्योंकि हमारा पब्लिसिटी ये लोग कर रहे हैं। आज यूपी बिहार कहां पर भी हम लोग जाए, एक जमाने में जाकर हमें लोगों को बोलना पड़ता था कि पॉपुलर फ्रंट क्या है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो ये हमारे खिलाफ एक कैंपेन हुआ, ये कैंपेन का हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लोग और बढ़ गए। आज भी अगर देखेंगे पॉपुलर फ्रंट का जो ग्रोथ है, नॉर्मली आप एक जर्नलिस्ट हैं आपको पता होगा कि पिछले 4-5 सालों से जितना टारगेट पॉपुलर फ्रंट को किया गया, आपने कहा कि हम पर अरेस्ट हुए, केसेस हुए, हमारे चार ये कैंपस फ्रंट नाम की एक तंजीम थी, पॉपुलर फ्रंट के नहीं है वो लोग, फिर भी वो लोग एक इंटरव्यू के लिए गए थे, उनको अरेस्ट करके पॉपुलर फ्रंट का नाम डाला गया, हमारे पॉपुलर फ्रंट के 2 लोग एक हमारे एक्सपांशन के काम से गए थे उनको अरेस्ट करके 5 दिन टॉर्चर करके फिर बताया गया इनके पास एक्सप्लोजिव मिले, सब ये लोग कर रहे हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आप देखेंगे जो हमारा ग्रोथ है इंक्रीज ही हो रहा है और ये उनको प्रॉब्लम है, समझे। तो ग्रोथ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त हो रहा है। दिल्ली की जिस तरह से आपने जिक्र किया, दिल्ली में जो शाहीन बाग में सीएनआरसी का जो जम के विरोध वहां से शुरू हुआ,
लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बताया गया है कि उसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उसको चलाने वाली फंडिंग करने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। पहला चीज मैं बताता हूँ, शाहीन बाग में या फिर सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ वो प्रोटेस्ट किसी मुस्लिम तंजीम उसके पीछे नहीं थी, और असल में वो एक इंसल्ट है। अगर हमारे शाहीन बाग की औरतों का एक इंसल्ट है, हमारे जामिया के बच्चों का इंसल्ट है, अगर आप कहेंगे कि उनके पीछे कोई एक मुस्लिम तंजीम थी। पॉपुलर फ्रंट ने वेरी स्ट्रांग स्टैंड लिया था इंडिया के अंदर, एनआरसी को बॉयकॉट करने का सबसे पहला स्टैंड पॉपुलर फ्रंट ने लिया था। जब सब लोग एनआरसी क्या है, जब सब लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, पॉपुलर फ्रंट ने कहा था बॉयकॉट करो, हाँ उसमें हमने मान लिया। लेकिन पॉपुलर फ्रंट इसको फंड कर रहा है, ये पूरा क्या था, एक न्यूज आया था कि 100 करोड़ पॉपुलर फ्रंट ने दिया है। हमने अर्णब गोस्वामी पर केस डाला है, हमने टाइम्स नाउ पर केस डाला है कि जो 100 करोड़ है ना, पॉपुलर फ्रंट का आज तक का बैंक अकाउंट लेंगे ना 100 करोड़ उसके अंदर नहीं, तो ये 100 करोड़ पॉपुलर फ्रंट ने कैसा दिया बताओ कोर्ट को आकर। तो अब अर्णब गोस्वामी को कोर्ट में आकर बताना पड़ेगा, उसको नोटिस चला गया, वो आकर बताएगा। आप समझे, अब ईडी से पूछो, ईडी बोल रहे हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं। अब यूपी के अंदर बात आया कि पॉपुलर फ्रंट को 120 करोड़ रुपए मॉरिशियस से आए, जब ईडी से पूछा गया ईडी ने कहा कि हमने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है, काल्पनिक स्टेटमेंट है। और प्रॉब्लम क्या है, मीडिया का आदत क्या है भाई, बोल देंगे फिर कौन चेक करता है, क्योंकि मुसलमानों ने उनकी आदत खराब कर दी है, मुसलमानों को टेररिस्ट क्या क्या बोल दिए, मुसलमान भी खामोश रहे, लेकिन पॉपुलर फ्रंट के साथ वो नहीं चलेगा। आप हमको टेररिस्ट बोलोगे मत समझो, हम खामोश रहेंगे, हम सबको घिसीटेंगे। और इंडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल को पूरे कोर्ट में हमने लाइन में रुका दिया है, एक 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 करके सब पर अभी हियरिंग्स चल रहे हैं। अब तक तो सिर्फ मीडिया चैनल के पीछे हम लोग थे, अब तो जो यूट्यूब चैनल है आरएसएस के, जो जिनको आरएसएस प्रमोट करके हमारे खिलाफ न्यूज डाल रहा है, सबको कोर्ट में लेके जाने वाले हैं हम लोग, उनके ऊपर डिफेमेशन केस चल रहे हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं, और कहीं पर भी कुछ प्रूफ नहीं ला रहे हैं, 100 करोड़ रिजर्व ये पूरे काल्पनिक है। तो मुझे तो लगता है कि और ज्यादा इसे न्यूज आएंगे लोगों को हमारे बारे में एक फिजा क्रिएट करने की, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो दंगे हैं, दंगों के मसले में भी हमने देखा है कि वहाँ भी बताया गया कि वहाँ पर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ही पहल की उस दंगों को भड़काने में, दंगों को बढ़ाने में, वहाँ पर जितने भी जाने गए उसका भी जिम्मेदार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बताया गया। देखो पहला चीज, दिल्ली दंगे है, दिल्ली दंगा जो है आरएसएस ने किया हुआ दंगा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं, खुलेआम हम लोग कहते हैं आरएसएस ने किया है। वेल प्लान, बाहर के दूसरे स्टेट के लोगों को वहां पर लेके आकर दंगा किया गया वहां पर, उसके बाद पुलिस को इस्तेमाल किया गया, मीडिया को इस्तेमाल किया गया ये दंगे को कंप्लीट छुपाने के लिए, ये आरएसएस ने किया है, उसमें कोई दोहरा नहीं। सेकंड चीज क्या था, वो जब दंगे हो ही रहे थे तभी हमने कहा था कि इसमें पॉपुलर फ्रंट का नाम देंगे। शुरुआत में 5 दिन में हमारा नाम नहीं आया, हम भी बहुत टेंशन में थे कि अब तक हमारा नाम नहीं आया, फिर 5 दिन के बाद हमारा नाम आया, परवेज हमारे दिल्ली प्रेसिडेंट, इलियास हमारे दिल्ली सेक्रेटरी, और दानिश हमारे वहाँ के डिवीजन के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी थे, उनको 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन 1 दिन के अंदर ही वो रिहा हो गए क्योंकि कुछ भी उनके ऊपर केस नहीं था। अभी भी पॉपुलर फ्रंट का एक आदमी भी दिल्ली केस की वजह से अरेस्ट नहीं हुआ है। यूपी की बात आई, यूपी में भी क्या था, जो प्रोटेस्ट वहां पर हुआ था, योगी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूपी के मुसलमान, जिसको उसने 5 साल से दबा के रखा था, यूपी के मुसलमान इसे रास्ते पर उतरेंगे। तो उसके बाद वहां पर गवर्नमेंट की मशीनरीज को इस्तेमाल करके पूरी तरीके से उसने क्या कर दिया, मुसलमानों को सप्रेस किया। अब योगी को पता था कि यूपी के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो सप्रेशन हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रॉपर्टी सीज हो रहे हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी को लीगली डिफेंड करने की ताकत सिर्फ पॉपुलर फ्रंट के अंदर है। तो इसलिए पॉपुलर फ्रंट को जो है मुस्लिम कम्युनिटी के डिफेंस में आने नहीं देना, इसलिए पहले उन्होंने क्या कर दिया, पॉपुलर फ्रंट को इसका मास्टरमाइंड बना के हमारे वसीम को अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन वसीम के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिले, उस वक्त वसीम रिया भी हो गए, अलग अलग नदीम, ये सब लोग रिया हो गए जो हमारे एडॉक कमेटी मेंबर्स थे, और पॉपुलर फ्रंट यूपी में नहीं थी, पॉपुलर फ्रंट का सिर्फ एडॉक कमेटी था, हमारा काम शुरू हो रहा था वहां पर उस वक्त। लेकिन एक बड़ा माहौल बनाया गया था, मास्टरमाइंड ये है वो है, और आज भी वो चल रहा है। अब हथरास हुआ पॉपुलर फ्रंट, बस्ती में एक रशीद नाम के एक शख्स को अरेस्ट किए पॉपुलर फ्रंट, लखनऊ में अंशद और फिरोज को अरेस्ट किए पॉपुलर फ्रंट, ये बड़ा एक माहौल बना है। क्योंकि देखिए क्या है, हम उनके लिए पंचिंग बैग है, कुछ भी हुआ अपना फेलियर छुपाने के लिए पॉपुलर फ्रंट। लेकिन मैं आपके इस मीडिया के थ्रू भी कहता हूँ कि ये जो जो इश्यूज हम पर आएंगे, दूसरे कोई रात अब तक टूट जाता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की एक मदद है और लाखों की दुआ है, आज भी हम लोग लीगली फाइट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम लोग यूपी के जो जो हमारे पर एट्रोसिटीज हो रहे हैं उसको लीगली हम फाइट करेंगे, और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सर, सिर्फ आरएसएस या बीजेपी या मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, जो अपने आप को सेकुलर कहती है, ऐसी भी कई पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
कांग्रेस लीडर हो या दीगर दूसरे पार्टीज हैं या लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे भी हमने जब बात की है उनका भी यही नजरिया आपको लेकर कि ये दहशत बढ़ाने का काम करती है पीएफआई या आतंकवाद से आतंकवाद दंगे बढ़ाने का काम करते हैं, इस तरह से वो भी ये जहन बनाए हैं और उनके पास जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पास भी वो लोग यही जहन बना रहे हैं कि पीएफआई दंगे भड़काने का काम करती है। देखिए पॉइंट ये है ये जो अपने आपको सेक्युलर पार्टी कहते हैं जो अपने आपको ये सेक्युलर पार्टी आज तक जिंदा है किसके बुनियाद पर, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के बुनियाद पर ये लोग जिंदा है। यूपी में अखिलेश को यादव भी वोट नहीं देते, मायावती को चमार भी वोट नहीं देते, आरएनडी को जाट भी वोट नहीं देते, समझे। आप अलग अलग ये रीजनल पार्टीज में जाओ, कांग्रेस को कौन वोट देता है? कांग्रेस आज कर्नाटक में जिंदा है क्योंकि सिर्फ मुसलमान वोट दे रहे हैं, दलित तो वोट नहीं देते, लिंगायत तो वोट नहीं देते, वोकली का तो वोट नहीं देते कर्नाटक में। अब इनका पूरा का पूरा सियासत ही मुसलमानों के ऊपर है। अब पॉपुलर फ्रंट जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन आकर मुसलमानों से कहती है कि देखिए भाई मुसलमान जो है वोट बैंक नहीं बनना है, मुसलमान अपना एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी लेना है, अपना लाओ पॉलिटिकल आइडेंटिटी लाओ। तो पॉपुलर फ्रंट ऐसा एक बात मुसलमानों के अंदर लाता है। सेकेंडली पॉपुलर फ्रंट सेक्युलर पार्टीज को सवाल करता है कि भाई इतना साल मुसलमानों ने आपको सपोर्ट किया उसके बदले आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? मुसलमानों की वोट कोई विरासत नहीं है ना, कि नेहरू के बाद इंदिरा गांधी को मिली, इंदिरा गांधी के बाद राजीव को मिली, उसके बाद राहुल गांधी को कोई वसीयत है क्या भाई आएगी, या फिर दहेज है क्या एक जगह से दूसरा जाएगा? नहीं ना। हाँ यू हैव टू बी आंसर, आप हमें बताओ हमारे लिए क्या किया आपने, हमारे लिए कौन सा पॉलिसी लाया, स्कीम लाया, पॉलिसी नहीं लाया हमारे वास्ते, रिजर्वेशन आज तक हमने हमको नहीं दिया। जब हम ये सवाल पूछते हैं मुझे पसंद नहीं। वो कैसा मुस्लिम कम्युनिटी चाहते हैं? देखो आरएसएस एक मुस्लिम कम्युनिटी चाहता है जो हमेशा डरा हुआ रहे। ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी एक ऐसी मुस्लिम कम्युनिटी जाती है जो हमेशा इनके इफ्तार पार्टी में जाए, कुछ खाए, टोपी पहने, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल के आ जाए। पॉपुलर फ्रंट बोलते हैं भाई हमारे इफ्तार प्रोग्राम में आकर आप टोपी पहनने की जरूरत नहीं, आप बताओ हमारे लिए आप क्या किए। जब ऐसे टफ सवाल हम उनको कहते हैं वो क्या हो जाते हैं? नर्वस हो जाते हैं। ये लोग देखिए ये बड़े सेक्युलर लीडर्स मुसलमानों के प्रोग्रामों में आकर बोलते हैं मुसलमानों की ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, मुसलमानों ने मुल्क के लिए ये किया वो किया, आप सुनते होंगे मीडिया वाले आप। लेकिन क्या आपने कहीं पर भी एक वोक्कलीगा सेक्युलर लीडर को देखा है जो वोक्कलीगा कम्युनिटी के बीच में जाकर मुसलमानों के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है? भाई आप हमारे बारे में हमारे इजलासों में क्यों कहते हो? आप जाकर सिद्धरमैया को चाहिए कुर्बान में जाके मुसलमानों की बात करें, कुमार स्वामी को चाहिए वोक्कलीगा में जाके मुसलमानों की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि जो दलित कम्युनिटी है उनके बीच में जाकर मुसलमानों की बात करें। वहां को नहीं करते आप, यहाँ आकर करते हैं। जब हम इसे टफ सवाल पूछते हैं तो क्या आपको लगता है वो हमें पसंद करेंगे? पसंद नहीं करते, इसलिए टेररिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है, क्योंकि देश उनको हमारे से प्रॉब्लम है। ठीक है, जब इलेक्शंस आते हैं तो बीजेपी आरएसएस को छोड़कर कई ऐसे पार्टीज हैं, आप लोग इलेक्शन में किसको सपोर्ट करते हैं, कौन आगे आना चाहिए? देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि वो पार्टी आए जो पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी को उसका हक दे, जो मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ एक वोट बैंक ना बनाए बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के जेन्युइन डेवलपमेंटल और कंसर्न्स को एड्रेस करे। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी हो, एनी सेक्युलर पार्टी जो मुस्लिम कम्युनिटी के सीरियस कंसर्न्स को एड्रेस करेगी, तो अपना फ्रंट मुस्लिम कम्युनिटी को कहता है कि आप रिव्यू करके वोट दो। सेकेंडली थोड़े ऐसे पार्टीज हैं जिनको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सपोर्ट भी करता है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे इश्यूज में और उनके इश्यूज में एक यूनिफॉर्मिटी है, जैसे एसडीपीआई जैसी एक पार्टी है। तो एसडीपीआई को लोग कहते हैं पॉपुलर फ्रंट की पार्टी है, लेकिन पॉपुलर फ्रंट की पार्टी नहीं, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट का एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप है। मैं पॉपुलर फ्रंट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पॉपुलर फ्रंट के चेयरमैन हमारे सलाम साहब है, हमारा एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप है। एसडीपीआई की एक अलग लीडरशिप है, समझे। अब अगर पॉपुलर फ्रंट एसडीपीआई हमारी पार्टी होगी इसका मतलब हमारी लीडरशिप को चलाती है, हम तो नहीं चलाते, इसकी एक अलग पार्टी। हाँ लेकिन बहुत सारे चीजों में हम लोग एसडीपीआई को सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि एसडीपीआई के पॉलिसीज बहुत सारे चीजों में पॉपुलर फ्रंट के पॉलिसीज से मिलती है, इसलिए हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर एसडीपीआई नहीं है, वहां पर हम दूसरे मुस्लिम पार्टीज को भी सपोर्ट कर करें जहां पर एसडीपीआई नहीं है, क्योंकि हम पहला चीज हम चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर एक पॉलिटिकल कुवत आए। सेकंड, अगर एक सेक्युलर पार्टी मुसलमानों का वोट लेते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आपके लिए मुसलमानों के लिए एक एजेंडा चाहिए, आप बताइए मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे, उस बेसिस पर हम आपके बारे में सपोर्ट करेंगे, आपको अपोज करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आपके पीछे ये फासिस्ट ताकतें लगी हुई हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके पीछे लगा हुआ है, किस तरह से आप इसको फाइट करेंगे और आगे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किस तरह से लेके जाएंगे? देखिए हमारे सामने एक ही ऑप्शन है, हमको लड़ना है,
ये लोग चाहते हैं कि हम भाग जाए। हमें बहुत सारे लोगों ने आकर कहा कि साइलेंट हो जाओ, खामोश हो जाओ, आप लोग थोड़ा सब्र करो। तो हमने कहा कि देखो ये जो लोग हैं ना, ये जो फैसिस्ट हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग डर जाएं, ये चाहते हैं कि हम खामोश हो जाएं। अगर हम डर गए, ये हमारे घरों में घुसकर हमें बर्बाद कर देंगे। तो हम तो है कि हम तो कभी भी गिव अप करने वाले नहीं, हमें हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है। देखिए भाई, बेसिक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। ये प्रॉब्लम मुसलमानों का भी नहीं है, क्रिश्चियनों का भी नहीं है, हिंदुओं का भी नहीं है, दलितों का भी नहीं है, किसका ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन रहा आपका और मेरा हुकूक रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चला गया ना तो आपके हुकूक ना तो मेरे हुकूक, ना तो हिंदू के हुकूक ना तो दलित के हुकूक ना तो सिख के हुकूक। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना ये प्रायोरिटी, और हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत भरोसा है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है, इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सारे ऑप्शंस को हम इस्तेमाल करके हम लड़ते रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद साहब आपका इतनी देर हमको वक्त देने के लिए। आप हमारे चैनल पर कई व्यूवर्स ऐसे हैं जो आपके कैडर से भी जुड़े हुए हैं, कई ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, तो तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स और आपके जो जो मीडिया इनिशिएटिव है, तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आज के ज़माने में आप लोग ऐसा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए और आज बहुत सारा चेंज जो है नरेटिव का आपके जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि ये जो पेड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसने तो पूरी तरीके से मीडिया नरेटिव को बर्बाद कर दिया है। वो तो आप जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया है जिसको बड़ा एक सपोर्ट बेस भी नहीं है, फिर भी आप लोग इंडिपेंडेंटली जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एक तारीफ की बात है। तो मैं आपके और आपकी टीम को कंग्रेचुलेट करता हूँ, आपके व्यूअर्स को कंग्रेचुलेट करता हूँ। सेकेंड चीज, आपके जो व्यूअर्स हैं और जो देख रहे हैं, मैं उनसे इतना कहता हूँ कि सबसे पहले शुक्रिया कि पॉपुलर फ्रंट का आपने भरोसा है और आपके भरोसे में हम लोग उतर रहे हैं। इंशाल्लाह हम हमेशा कोशिश करेंगे कि इस भरोसे पर पूरा उतरना है। और फाइनल चीज देखिए, हम एक ऐसे मुकाम में हैं जहाँ पर हमें ये मुल्क बहुत अच्छी तरीके से मिला है, आज़ादी मिली, सब मिली, और हमें इंश्योर करना है कि हमारे आने वाले नस्ल को भी ये मुल्क ऐसा ही मिलना है। क्योंकि अगर हमारे आने वाले नस्ल को ये मुल्क गुलाम बनकर मिला तो हमारी नस्लें हमें माफ़ नहीं करेगी। तो जिसने अच्छे तरीके से मुल्क हमें मिला है, हमारी कोशिश होनी चाहिए हमारी आने वाली जनरेशन को भी मुल्क को ऐसा ही देना है। और ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुनने वाले की, बोलने वाले की, हर किसी की जिम्मेदारी।